आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। सीटेट में मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, मैंने किसी बुक्स का सहारा नहीं लिया, आप लोग जो पढ़ाते थे वो क्लासेस मैं रेगुलर करती थी। अगर मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट तैयार करना चाहता है दिसंबर के लिए, 2 से 3 महीने का लगभग समय है। आपने अपनी क्लासेस में हमेशा 15 मिनट स्टार्टिंग के हमेशा थ्योरी में दी है। सेल्फ स्टडी का कितना रोल है, अच्छे टीचर्स का कितना रोल है, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जुड़ती रहती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। हमारे साथ जुड़ी है अनुपमा वर्मा, जो इस बार सीटेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अनुपमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताइए थोड़ा अपने बारे में, अपने मार्क्स आपको कितने आए हैं उस बारे में और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में। सर मेरा नाम अनुपमा वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बहराइच जिले से। और सर मेरे क्या कहते हैं सीटेट में मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट था जी। और इसमें मेरे फर्स्ट पेपर में 108 नंबर है और सेकंड पेपर में 105 नंबर है। जी और सर अभी रिजल्ट अभी ही आए हैं, तो मतलब मैंने आंसर की से मैच किया था, तो एग्जैक्ट नंबर मतलब उसमें शो कर रहे थे, तो मतलब रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश थी। क्या बात है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, क्यों क्यों आपने ये कैरियर चुना और कैसा मतलब फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा आपको इन चीजों के लिए अभी। सर फैमिली तो वैसे बहुत सपोर्टिव है सर, जी तो मतलब एजुकेशनल मतलब कभी भी पर्पसेस की वजह से कभी मना नहीं हुआ। और मतलब 12th के बाद से मैंने बीए किया, फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड में क्या कहते हैं मतलब फॉर्म डाला। बीएड फर्स्ट ईयर, मैं एक्चुअली बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और अच्छा अभी मैंने बीएड का भी एग्जाम दिया, तो सर अभी अच्छा मैंने सीटेट करा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश थी। जी वाह, बहुत बढ़िया। तो आप अब थोड़ा सा मेन क्वेश्चन पे आते हैं अनुपमा, तैयारी आपने कैसे की अलग अलग सब्जेक्ट्स की और कैसे पीडब्ल्यू ने आपको मदद किया और मतलब क्या स्ट्रैटजी रहा? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी, एक दिशा निर्देश मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चे इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो कैसे आपने तैयारी की? सर एक्चुअली मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, मैंने किसी बुक्स का सहारा नहीं लिया, आप लोग जो पढ़ाते थे जी वो क्लासेस मैं रेगुलर करती थी। जी और बाकी जो मतलब आपने जितना भी पढ़ाया वो मैं नोट्स वाइज से पढ़ते पढ़ते और जी मतलब प्रैक्टिस करते करते, जब आप लोग सेट यूट्यूब पे पढ़ाते थे वो यूट्यूब के भी सारे वीडियोज वगैरह सॉल्व कर लेते थे। और जी बाकी जो मतलब आपके एप्स पे जो मतलब वीडियोज थे, मतलब जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया सब बहुत अच्छा पढ़ाया, और जी रिजल्ट्स में मतलब मुझे पता भी चला कि हाँ मतलब जितना भी पढ़ा था वो काफी मतलब दिमाग में था। अभी भी कुछ कुछ जी पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिमाग में हैं और मतलब अच्छा। काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर थोड़ा सा चले तो मान लीजिए पेपर 1 में CDP से ही स्टार्ट करते, तो CDP में आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को, कैसे जैसे दिसंबर में एग्जाम है आगे तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर CDP में ये होता है कि मतलब सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स जो है वो लाइन बाय लाइन, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा है उसको मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। आपने अपनी क्लासेस में हमेशा 15 मिनट स्टार्टिंग के हमेशा थ्योरी में दी है, तो थ्योरी वगैरह जब पढ़ो उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो तो काफी मतलब फायदा हो जाता है उससे एग्जैक्टली वो हुआ। और बाकी मतलब सब्जेक्ट्स जो भी हैं उसके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पे भी डाउट हो वो नोट करते जाओ, उसको 2-3 बार पढ़ो। आपने वीडियो, आपके वीडियोस मैंने कई बार 2 बार रिपीट करके देखे हैं, जो जी चीज नहीं समझ में आती उसको दोबारा से देखकर समझ जी में आ जाता है, तो जी ये काफी फायदेमंद रहता है। और जैसे कि NCERT समरीज कहते हैं EVS सब में, तो आपने NCERT समरीज का क्या रोल देखा एग्जाम्स में? सर NCERT से क्वेश्चंस काफी फंसते हैं, क्योंकि NCERT में पहली बात तो वो बेस है, वो जी बेस अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम्स मतलब काफी फंसते हैं, क्वेश्चंस उसमें बहुत फंसते हैं जी जी ऐसा। मैथमेटिक्स से भी बच्चों को बहुत डर लगता है, तो आप क्या मतलब आपने कैसे की तैयारी मैथमेटिक्स की? तो मैं 12th तक एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ी हूँ, तो मुझे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डर कभी नहीं लगा और मैथ्स मुझे अच्छी भी लगती थी, क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा मतलब मेरे लिए टफ नहीं थी। अच्छा, जब एग्जाम हॉल में प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि इस बार 15 लाख में से फर्स्ट पेपर में 2,90,000 ही बच्चे सिलेक्ट हो पाए हैं और सेकेंड पेपर में सिर्फ 1 लाख लगभग ही सिलेक्ट हो पाए हैं, तो क्या लग रहा है क्या मिस्टेक्स हुई होगी और क्या ध्यान रखना चाहिए आने वाले एग्जाम में बच्चों को? सर एक्चुअली वहाँ पे प्रेशर बहुत बना रहता है, क्योंकि हमारी हम लोग गए हुए थे तो हम लोग जी की एज से काफी डिफरेंट और काफी बड़े लोग भी आए हुए थे, और क्या पता है इन लोग का एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, निकाल भी ले जाए हो सकता है, कई बार इन लोगों ने दिया तो प्रेशर ज्यादा होता है। पर जब वहाँ पे बैठो सॉल्व करो तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और अगर क्वेश्चन समझना है तो मतलब टाइम, पहली बात तो टाइम मैनेज करके चलो, और अगर समझ में ना आए तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, जो टाइम मैनेजमेंट की आपने बात की, तो ये तो एग्जाम हॉल का टाइम मैनेजमेंट हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट तैयार करना चाहता है दिसंबर के लिए, 2 से 3 महीने का लगभग समय है, तो इस दौरान यस सर उनकी पढ़ाई का रूटीन क्या रहना चाहिए या आपके पढ़ाई का रूटीन
क्या कैसे था? सर मतलब मैं तो स्टूडेंट, पैसे भी अभी मेरी क्लासेस भी चलती थी तो जी दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता था। मोस्टली रात में पढ़ लेते थे, जो मतलब क्लासेस पहले तो लाइव होती थी, लाइव क्लासेस करते थे, तो लाइव क्लासेस में हमेशा मतलब जो पढ़ा उसको मैं नोट डाउन करते चलती थी। आप जब जब बताते रहते थे, कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं, नोट डाउन करने के बाद फिर जब लास्ट में रात में बैठेंगे या फिर रिवाइज करने कभी भी, तो उसको मतलब जहां जहाँ पॉइंट्स थे वो मतलब उसका मेन मेन याद करते चलेंगे कि हाँ इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, तो इस जी तरीके से जी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। अच्छा, अभी रिजल्ट आपका हो गया है और अब सीटेट वैसा नहीं है क्या कि आइए कोई बैठ जाइए हो जाएगा, थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, तो आपको खुशी तो हो रही होगी क्योंकि अच्छे लेवल के एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है। एक मतलब कंसेप्ट का क्लियर होना, क्योंकि यूट्यूब पे या आजकल देखिएगा छात्रों में क्वेश्चन के पीछे भागते हैं लोग। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन कंसेप्ट बिना क्लियर किए भागते हैं कि ABCD ABCD 50 100 500 क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाए, तो उस वजह से कभी कभी हमें भी लगता है कि बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? सर आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जी तो क्वालिटी होना चाहिए जो भी पढ़ो उसमें, थोड़ा सा जितना भी पढ़ो उतना मतलब दिमाग में आ रहा हो। बाकी क्या कहते हैं, अगर हम लोग 18 क्वेश्चन करेंगे तो भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, आप रिवीजन कैसे करते थे अनुपमा जी? सर रिविजन मतलब पहले तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था उसका, क्या कहते हैं वो प्रैक्टिस बैच का, तो जब क्लासेस खत्म होने के बाद एक बार वो पूरा का पूरा पोर्शन अपने मन से थ्योरीज करके फिर उसका फिर क्वेश्चंस मैं कवर कर कर उसके आंसर्स पढ़ती जाती थी कि हाँ आंसर इसका क्या हो सकता है, मेरे दिमाग में कितना आया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब जिसका इसका क्लियर होता गया वो होता गया, और जिसपे नहीं होता था उसको स्टार लगा के नेक्स्ट टाइम उसको फिर से रिवाइज कर लेते थे तो क्लियर हो जाता था। अच्छा, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं अभी दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा ज्यादा डर गए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के बाद पहली बार ऑफलाइन हुआ और सक्सेस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आपका अच्छा मार्क्स है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी का कितना रोल है, अच्छे टीचर्स का कितना रोल है, और जिस तरह से आपने पढ़ाई की वो आप कितना रिकमेंड करना चाहेंगे? सर 50-50 रोल होता है, जैसे अगर सेल्फ स्टडी करेंगे वो भी 50%, और अगर टीचर नहीं है, गाइडेंस नहीं है तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा, तो जी 50% उसका भी रोल हो गया। और बाकी एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, अगर इंसान बैठा हुआ है इस पे, अगर वहां पे क्वेश्चन देखा एक बार हाँ कि हाँ ये तो मुझे आता है, तो वो अगर उस पे लगा दिया टेक, उसके बाद फिर वो चेंज नहीं हो सकता, OMR शीट पे चेंज होना नहीं है। तो जी फिर उसके बाद वो दिमाग में एक बार मतलब सोच ले कि हाँ ये आंसर परफेक्ट बैठता है कि नहीं, सारे पर्सपेक्टिव से ये सही है कि नहीं, के बाद आंसर टिक करना चाहिए। तो अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ और अगर आप शेयर करना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस स्टडी का या किसी चीज का जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो? तो बस यही है कि मतलब क्लासेस वगैरह जो है वो रेगुलर मतलब करते रहो, तो मतलब जो चीजें मतलब पिछली बार पढ़ाई गई वो रिवाइज करके फिर दूसरी क्लास करो तो मतलब काफी फायदेमंद रहता है। जैसे एक चीज हमने करी हुई है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जुड़ती रहती हैं, तो वो जोड़ते जोड़ते पढ़ाई करते रहो। और सबसे इजी तो मेरे लिए CDP था, मैंने CDP बहुत अच्छे से पढ़ा था और मुझे CDP के मार्क्स से मुझे बहुत मतलब खुशी मिली, बहुत अच्छा। सेटिस्फेक्शन था उसमें। अच्छा, यस बहुत सर बच्चों को CDP में ही ज्यादा डर लगता है। मेरा सर CDP पहला वो सब्जेक्ट भी था, और मैं खुश हुई कि CDP से स्टार्ट किया है और उसके सारे क्वेश्चन मुझे लग भी रहा था सही जा रहे हैं, तो मैं उससे बहुत खुश थी। और मेरे फर्स्ट पेपर से अच्छा मेरा सेकंड पेपर गया, क्योंकि उसके बाद फिर ये हो गया था कि फर्स्ट पेपर जो है वो निपट चुका है, सेकंड पेपर से स्टार्ट करना है, तो उसमें दिमाग भी जा रहा है ज्यादा। अच्छा, अब आप BEd कैंडिडेट है ना? यस सर अभी तो BEd, अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही हुआ है मेरा। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आपको आपके आगे के जीवन के लिए बहुत शुभकामना, खूब अच्छे से आप अपना थैंक बी यू। एड कम्प्लीट करिए और BEd कम्प्लीट करते करते आप वैकेंसीज में अपनी नौकरी लीजिए। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अनुपमा ने मेहनत किया है और आज इस मुकाम पर है और आगे बहुत आगे बढ़ेंगी और हम लोग जैसे और हम लोगों से बेहतर टीचर बनेंगी, बस कंसिस्टेंट मेहनत करिए, अपने आप को नहीं ठगना है। और क्योंकि खुद को मतलब ठग लेंगे तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए खूब अच्छे से मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए, ऑनेस्ट रहिए। 2 3 महीने का ही समय है, दीजिए और उसमें एकदम लग के मेहनत करिए। मुझे तो लगता है अनुपमा जी, अगर बच्चे सिर्फ जो टीचर की बताई गई बातों को फॉलो कर लेते हैं, क्लास करना है या उसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर लेते हैं, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या बहुत ऐसी चीज है जो एकदम हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कई बार लोगों को इतना डर लग जाता है कि उस डिमोटिवेशन के कारण भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्या कहना है आपके इस पे? यस सर अभी बच्चे बस यही होता है कि जैसे टीचर्स ने बता दिया, अगर वो फॉलो नहीं करते सोचते अपने शेड्यूल पे चलेंगे अपना काम करेंगे, तो फिर वो मतलब शेड्यूल भी गड़बड़ा जाता है, फिर मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, जी रिजल्ट खराब आते हैं।
जी तो बिल्कुल टीचर्स के तो कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर होते हैं, क्योंकि टीचर जो बता रहे हैं वो ही मतलब लेके हम लोग चलते चले आए हैं, तो वो जी, सीखना तो ये बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, जो गलती आज आप कर रहे हैं वो टीचर उस गलती को बार बार पहले भी कर चुके होंगे, देखे होंगे, कई बच्चों को देखे हैं उस गलतियों को करते हुए, तो वो सारे एक्सपीरियंस को वो यूज कर रहे हैं, तो उनकी मदद ली जाए और अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत यस सर, शुभकामना अनुपमा जी, बहुत थैंक यू बहुत सो मच धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी। सर।